नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायण, नमो सो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलांच सवेसे पढ़म हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवल पन्नतो शरणं पव्वज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरिरसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरिहंताणम का वर्णन लगभग 2 माह चला था और अब ये नमो सिद्धाणम का वर्णन अभी कितने दिन चला कुछ पता नहीं है। आप लोग जानते होंगे वो संख्या कितनी आती है उसकी वीडियो की। छप्पन दिन चला। अच्छा और अभी नमो सिद्धाणम 148 चल रहा है। अच्छा अच्छा बानवे दिन। अब सिद्ध भगवान तो अरहंत से बड़े हैं। मतलब ये कल्पना से बाहर की बात है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो जिनवाणी माता सब कर रही है और अपने को आगम के जो सूत्र मिल रहे हैं उसके आधार पर अपन उसका विवेचन करते हैं बारीकी से जितना बनता है। वो तो ठीक है, तो अपना सधर्मा वात्सल्य तो रहता ही है। दीदी गुरुवर की आवाज तो नींद में भी सुनाई देती है। अब हम प्रत्यक्ष भी सुनने जा रहे हैं। दीदी हमारी तरफ से भी शेर फल लेके चढ़ाइएगा। अमेरिका आके अपना ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकते।
अब वहां पर पद यात्रा का कोई साधन बना दो तो फिर देख लेंगे, पद विहार हो जाए तो देखिए देखते हैं। अभी सुप्रीम अभी जी कुछ तो कह बहुत नहीं साल सकते पहले ही पधार रहे थे। जी। चंदना जी आप चलो अभी सिद्ध भगवान का वो करते हैं अपन, ये चर्चा अपन फिर देख लेंगे। तो लोकाग्र के मस्तक पर विराजमान चरम शरीर से किंचित ऊन, कल बात निकली थी ना कि पार्श्वनाथ भगवान जहाँ पर विराजमान है इस समय, उनके स्थान पर अनादि काल से मुक्ति को प्राप्त हुए ऐसे अनंत तीर्थंकर हैं। और उनमें से कई तीर्थंकर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उनकी अवगाहना वाले हैं, और तीर्थंकर के अतिरिक्त जो इतर सिद्ध हैं वो भी सारे वहाँ पर बहुत सारे विराजमान हैं। तो कौन से कर्म के क्षय से अवगाहनत्व तो गुण आता है? आयु कर्म के क्षय से। तो उस अवगाहनत्व गुण के कारण सिद्ध भगवान जहाँ अकेले एक विराजमान है वहाँ अन्य भी अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान की आकृति वाले भी वहाँ पर अनंत सिद्ध हैं उन्हीं के स्थान पर। जैसे कल उदाहरण था ना कि वो एक एक कक्ष में आप अनेक प्रकाश प्रज्वलित कर दें या प्रकाशित कर दें तो फिर वो सारे प्रकाश एक ही स्थान पर अवगाहन को प्राप्त हो जाते हैं, आपस में उनका टकराव नहीं होता। तो वैसे ही वहां पर अवगाहनत्व गुण के कारण, और आकाश क्या भाई अवगाहनत्व गुण ही है, दोनों का सहयोग है, दोनों वहां पर कितने सारे सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। तो अपन ने सिद्धों की वहां की जो बाह्य स्थिति है उसको भी समझा, सिद्धों के अंतरंग की जो स्थिति है उसका भी अपन ने वर्णन पढ़ा, और सिद्धत्व कैसे प्राप्त होता है उसका भी वर्णन पढ़ा, कर्मों का क्षय का क्रम क्या है, अरहंत होने के पहले 63 प्रकृतियाँ, और अरहंत होने के उपरांत जब सिद्ध पद की प्राप्ति की भूमिका बनती है तब फिर 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके फिर वो सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर कितने कम होते हैं उसके बारे में उनके आकार की चर्चा करते हुए आचार्य लिखते हैं, गय सिद्ध मूस गब्भे जारिस आयार तारिस आयारा किंचूनाहा किंचित ऊनाह। किंचूणा का अर्थ प्राकृत में किंचूणा बना, संस्कृत में किंचित ऊन, किंचित ऊनाह। निविड रूपतया तदात्म प्रदेशानाम अवस्थानात। अब क्या है यहाँ पर, निविड रूप से पहले विरल रूप से आत्म प्रदेश थे, विरल रूप से इसलिए क्योंकि शरीर में जो भी शरीर है अपना अंतिम शरीर में कई पोले स्थान थे, इसलिए आत्म प्रदेश सघन नहीं थे, निविड नहीं थे, विरल थे। जहां जहां निविड थे वहां थे लेकिन सर्वत्र निविड नहीं थे, कहीं निविड कहीं विरल ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब निविड रूपतया तदात्म प्रदेशानाम अवस्थानात, उनके आत्म प्रदेश निविड रूप से अवस्थान को प्राप्त हो जाते हैं, इस कारण से नखत्वकादि शरीर परिमाण हीनत्वाच्च, नख और त्वक यानी त्वचा आदि जो शरीर का परिमाण है उसकी अपेक्षा से भी हीन हो जाते हैं। तो कैसा आकार बन जाता है उनका? निविड का अर्थ ठोस, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि अंगूठे पर आप वो कनक लगा लो जो रोटी बनाने वाला, और फिर उसको निकाल कर ऐसे दबा दो तो वो अंदर वाला जो पोला हिस्सा था वो चला जाता और एकदम ठोस आकृति हो जाती है। तो वैसी आकृति यहाँ बता रहे हैं, गय सिद्ध मूस गब्भे जारिस आयार तारिस आयारा गत सिद्ध मूषा गर्भे यादृश आकारो भवति तादृश आकारः सिद्धा भवन्ति। गत सिद्ध मूषा गर्भे का अर्थ होता है कि वो जो सांचा होता है जिसमें मूर्ति ढलती है उसमें गत सिक्त उसके ऊपर वाला हिस्सा निकाल दो तो अंदर जितनी आकृति रह जाती है तो वो कुछ कम रह जाती है आकृति, उतना आकार सिद्ध परमिष्टि का हो जाता है, यानी वो आकार बिगड़ता नहीं है क्योंकि 13वें गुण स्थान में ये स्थिति बनती है।
चौदहवें गुण स्थान में तो अयोग हो जाते हैं, तो अयोग होने से आत्म प्रदेशों में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, वो छोटे बड़े कम आकृति में या संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकते। संकोच विस्तार तभी तक हो सकता है जब तक काय योग है, और काय योग कब तक है? 13वें गुण स्थान तक के है, वहां पर तो काय योग है ही नहीं, वहां एक भी योग नहीं है, इसलिए अयोग केवल नाम है उनका। तो वो उसके पहले ही हो जाता है, और उसके बाद शुक्ल ध्यान करते हैं, ये प्रक्रिया पहले कर लेते हैं फिर शुक्ल ध्यान करते हैं। तो समुद्घात और फिर ये जो संकोचन आदि जो प्रक्रिया है उसको करने के उपरांत फिर शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं, और उसके बाद 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। शुक्ल ध्यान में करते क्या है? काय योग का निग्रह करते हैं, जो सूक्ष्म काय योग बचा है ना उसका निग्रह कर डालते हैं, और ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार वहां पर 72 कर्मों का भी क्षय कर डालते हैं। अन्य ग्रंथों के अनुसार 14वें गुण स्थान में ही पूरी 85 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। क्या समय कम है ना किसका? 14वें गुण स्थान का 13वें गुण स्थान से तो कम है, 5 लघु अक्षर प्रमाण काल है उसका। लघु अक्षर के उच्चारण का काल 5 मात्रा होता है, क्योंकि लघु की एक मात्रा होती है अ ई उ री ल री, और ये उच्चारण हम कर रहे हैं वो नहीं, गणधर करते हैं, बहुत ही कम समय रहता है। तो उतने काल में वो सारा काम हो जाता है। तो वैसे आकृति वाले वो सिद्ध होते हैं, तो आकृति ऐसे बिगड़ेगी नहीं, बस कम हो जाएगी, ऊपर का वो निकल जाए, कम हो जाएगा, जैसे दाल के ऊपर से छिलका निकल दो तो आकार बिगड़ता थोड़ी है उसका, जैसे चने हैं, अब उसको बीच से आप अगर दो भाग करोगे तो द्विदल हो जाएगा, पर जब तक जुड़े हुए हैं केवल छिलका निकाल दो आप तो फिर वो आकार वैसे ही रहता है जैसा पहले था, पहले कोट पहना हुआ था अब कोट उतार दिया वैसे ही आकार है। तो सिद्धों में भी ये होता है कि वो पूर्व आकृति से किंचित न्यून हो जाते हैं, वैसी आकृति को प्राप्त हो जाते हैं। इदानीं स्तोता स्तुते फलम प्रार्थयते, अब जो स्तुतिकर्ता कुंदकुंद आचार्य है वो सिद्ध भक्ति में जो सिद्धों की स्तुति की है उन्होंने उसके फल की प्रार्थना करते हुए लिखते हैं। जर मरण जम रहिया ते सिद्धा मम सुभत्ति जुत्तस दिन्तु वर्णान लाहम बुहियण परिपत्थनम परम शुद्धम। जम जर मरण रहिया, जन्म जरा और मरण से रहित, ते सिद्धा वे प्रसिद्ध सिद्ध, मम सुभक्ति जुत्तस मुझ निष्काम भक्ति से युक्त स्तुतिकर्ता के लिए परम शुद्धम अत्यंत शुद्ध, बुहियण परिपत्थणम बुद्ध जनों के द्वारा की गई है परिप्रार्थना जिसके लिए, ऐसे समझ में आया, बुद्ध जन यानी ज्ञानी जनों के द्वारा की गई है परिप्रार्थना का अर्थ तो बारंबार प्रार्थना की है ज्ञानियों ने कि मुझे वो केवल ज्ञान प्राप्त हो। जो संसार नहीं चाहते वो बार बार यही तो चाहते हैं कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ऐसे वर्णान लाहम दिन्तु, वे सिद्ध परमेश्वर हमें उत्तम ज्ञान का लाभ प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना अंत में की है। अब आप बताइए कि ये जो 10 छंद अपन ने पढ़े थे उन 10 छंदों में सिद्ध परमेश्वर तो ऐसे स्थान पर है और ऐसी अवस्था में है कि उनकी अवस्था को और उनके स्थान को, अवस्था और अवस्थान दोनों को अगर अपन समझ लें तो फिर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना कैसे कर सकते हैं उनसे? वो अपने को केवल ज्ञान कैसे देंगे? तो इसका उत्तर सामायिक पाठ में आता है। सामायिक पाठ में क्या लिखा है? ध्यातो धुनीते सकलम विकारम,
उस काव्य को पूरा बोलिए, कौन सा है? उसके पहले, उसके पहले तो ये एक विलक्षण शक्ति होती है प्रत्येक आत्मा में। तस्य शक्ति ही त्रादिश है। तत्वानुशासन के 129वें काव्य में लिखा कि वीतरागोप्ययम् देवो, वे परमात्मा वीतराग है फिर भी ध्याय मानो मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा ध्यान लगाए जाने पर वे भगवान भले ही वीतराग हो लेकिन स्वर्गापवर्ग फलद शक्तिस्तस्य तादृशी, स्वर्ग और मोक्ष फल को प्रदान करते हैं उनके पास वैसी शक्ति होती है। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ते हैं सिद्धो विबुद्धो दुतकर्म बंध ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदैव देवो हृदय ममास्तम। इसका अर्थ यह है कि विश्वजनीन वृत्ते है यो यह व्यापक, जो विश्व कल्याणी प्रवृत्ति के कारण व्यापक है, एक समूह के बीच में संकुचित नहीं है। जब सब सबका कल्याण कर रहे हैं तो फिर सबके बीच वो व्यापक है। जब भी तीर्थंकर होते हैं वो सर्व कल्याणकारी होने से सर्वमान्य होते हैं। वो कोई विशेष कषाय वाला जीव जो होता है वो उनसे विमुख हो सकता है, बाकी तो सारे उनके चरणों में आ जाते हैं। विरोध जाति विरोधी जीव उनके चरणों में आ जाते हैं। तो जो व्यापक है वो व्यापक है। विश्व जनीन वृत्ति, विश्व यानी सभी, जनीन का अर्थ होता है जनता के लिए हितकारी, वृत्ति होने के कारण वो व्यापक है। और सिद्ध है, वो सिद्ध रूप है, निकट सिद्ध होने से उनको सिद्ध कह रहे हैं। वे सिद्ध और विबुद्ध विशिष्ट ज्ञानी है। धुत कर्म बंध, कर्म बंधों को धुत यानी फटकार चुके हैं। और ध्यातो धुनीते सकलम विकारम, ध्यान करने पर ध्याता के सकलम विकारम सब विकारों का, सब विकारों को धुनीते फटकार डालते हैं। वो खुद अपने दोषों को फटकार चुके हैं, ध्यान करने वाले के दोषों को भी फटकार डालते हैं। सदैव देवो हृदय मस्तम, वे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान हैं। ये अरहंत भगवान के लिए हुआ। तो फिर जब अरहंत भगवान के लिए ये स्थिति है तो फिर सिद्ध तो और भी ऊपर के हैं। तो उनका ध्यान लगाने पर वे सभी, यहाँ पर जो किया ना, केवल ज्ञान के प्रदाता हो सकते हैं। और ये व्यवहार ऐसे कथन है, ऐसा निश्चय से तो केवल ज्ञान अपने को ही अपने अंदर से प्राप्त करना है, पर वो उसमें सहायक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जब अपन उनका ध्यान लगाते हैं तो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, और अनंत गुणी विशुद्धि से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा अगर निरंतर बनी रहे तो फिर वो कर्म खाली हो जाएंगे, कब तक रहेंगे? आगमन कम हो और निर्गमन ज्यादा हो तो क्या स्थिति बनेगी? और आगमन सर्वथा रुक जाए और निर्गमन ही निर्गमन हो, जैसे 14वें गुणस्थान में होता है। 13वें में तो आगमन होता है और फिर वो निकलता जाता है, वो रुकता भी नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी? जब केवल निर्गमन हो जाएगा तो मोक्ष हो जाता है। इसलिए निर्जरा का अंतिम जो स्थान है वो जिन है, और जिन में जो अयोगी जिन है वो विशेष रूप से, तो सारे कर्मों का निर्गमन होने पर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस ये प्रार्थना की है कि हमें भी ऐसा ही कुछ प्राप्त हो जाए। तो पहले तो ज्ञान की प्राप्ति मांगी उन्होंने, उत्तम ज्ञान की हमें प्राप्ति हो, और उत्तम ज्ञान केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान प्राप्तिम ये लिखा है। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति को क्यों चाहा है, मोक्ष को क्यों नहीं चाहा, ये प्रश्न आ सकता है मन में, तो इसका क्या उत्तर है? क्योंकि ऐसी चीज मांगो जिससे बाद का कुछ मांगना ना पड़े, ऑटोमेटिक मिल जाए।
इसलिए केवल ज्ञान की प्रार्थना की है। तो केवल ज्ञान की प्रार्थना पूर्ण हो जाए तो फिर बाकी तो हो ही गया समझ लो, उसको उसके लिए कुछ प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े आचार्य भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रकृष्ट अर्थना को प्रार्थना कहते हैं, अर्थना का अर्थ याचना है। तो ये याचना जो प्रकृष्ट अर्थना जो होती है वो अपने आराध्य से ही होती है, प्रार्थना सबसे नहीं करते। सेठ जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कुछ झोली में डाल दो, सेठ जी से प्रार्थना नहीं की जाती, वहां पर याचना की जाती है। और यहाँ ये प्रार्थना की जा रही है परमेष्ठि से, और वो भी सिद्ध परमेष्ठि से। तो केवल ज्ञान की प्रार्थना की है। इस तरह से ये सिद्ध भक्ति में 11 काव्य में पूरा वर्णन था। 12वें काव्य में तो केवल उन्होंने ये कहा किच्चा काउ सगम चौरठ दोष विरहीम सुपरिशुद्धम अभत्य संपौतु जो वंदे लहु लह परम सुहम। जो कायोत्सर्ग करके, कैसा कायोत्सर्ग, चौरठय दोष विरहीयम, चार बार अष्टक कर लो तो 32 की संख्या आती है ना। कहने की शैली कितनी जोरदार है, चार अष्टक प्रमाण जो दोष है, चार अष्टक है ना 32, तो चार अष्टक प्रमाण जो दोष है कायोत्सर्ग के, उससे विरहित होकर जो कायोत्सर्ग करते हैं सुपरिशुद्ध कायोत्सर्ग करते हैं, और कायोत्सर्ग करते करके किच्चा, देखिए कायोत्सर्ग पहले करना है, इससे ये बात उत्तर आ गया। कई लोग पूछते हैं ना कि कायोत्सर्ग कहाँ करना होता है सिद्ध भक्ति का, प्रारंभ करने के पहले करना होता है या अंचलिका के पहले करना होता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि किच्चा काउसगन जो वंदई, कायोत्सर्ग पहले करके उसके बाद जो ये वंदना स्तुति करते हैं, और कैसे करते हैं, अई भक्ति संपवुत्तु, अति भक्ति से संप्रयुक्त होकर, अर्थात भक्ति में तल्लीन होकर के जो वंदना करते हैं, लहु लहे परम सुहम, अल्प काल में परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति की शक्ति का अपन अवमूल्यन नहीं कर सकते। ठीक है, अध्यात्म में तो ठीक है, कहते हैं कि मंद कषाय हो या तीव्र कषाय हो, शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, बंद तो कराता ही है ना। अब अगर बंद से इतनी नफरत है तो पहले शुद्ध उपयोग में तो पहुंचो, और निर्बंध अवस्था का एक बार आस्वादन तो करके देखो। अभी से जब तक यहाँ पर निचली भूमिका में है उसके प्रति ऐसे अवधीर्णावाचक वचन नहीं बोल सकते। आइए नमस्ते, इसलिए निश्चय कथन को व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त करना उचित नहीं है। जिस नए का जो कथन है उस कथन को उसी नए से करना। अब जैसे सीता जी जंगल में रो रही है तो वहां पर उनके सम्यक दर्शन में श्रद्धान में जो सिद्ध आदि परमेष्ठी विराजमान है उसका विवरण करने से उनकी पीड़ा कम नहीं हो जाएगी, उनके आंसू नहीं बंद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल भी वर्णन करना जरूरी है। आप कौन सी कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं कि हर जगह निश्चय 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 निश्चय, हर जगह नहीं लगता निश्चय। जहां व्यवहार है वहां व्यवहार लगता है, जहां निश्चय है वहां निश्चय लगता है, ये नियम है।
आचार्यों ने भी यही शब्दों इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। तत्वार्थ सार में अमृतचंद्र सूरि ने लिखा है, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूप स्यात् द्वितीयस्तस्य साधनम्। अपन ने पढ़ा ही था अभी 2 दिन पहले। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से स्थित है, एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। उसमें जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो साध्य है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका साधन है। मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग से होता है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना नहीं होता। और आज के काल में तो बड़ी जटिलता है। स्वाध्याय के समय कैसे भाव होते हैं, और व्यापार धंधे के समय उसी स्वाध्यायी के कैसे भाव होते हैं, और वो अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेता है कि अरे ये तो हमारा दूसरा विषय है, अंदर तो अंदर है, ऐसा नहीं चलता, डबल रोल नहीं होता है। क्या प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य केवल स्वाध्याय तक सीमित है? जीवनचर्या में उसकी कोई महत्ता नहीं है? ऐसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो अंदर और बाहर ये भेद ही नहीं है। अगर आप अध्यात्म दृष्टि से देखो वो तो जो अंदर है वही तो बाहर आ रहा है ना, बाहर वाला थोड़ी अंदर जा रहा है। पर पदार्थ स्व नहीं होता, स्व ही पर परिणति करता है। रागादिक कषाय कौन करता है? अपना ही जीव करता है। तो इसको एक बार अच्छे से समझने योग्य है। मदिरा के घट को बाहर से मांझने पर अंदर की दुर्गंध नहीं जाती। बस यही बात है, सभी संसारी जीव जो हैं उनकी यही दशा है। अपन बाहर से कितना कुछ करते हैं लेकिन अंदर का विष जाता नहीं। जबकि नियम यह है कि दीक्षा को जितना अधिक काल हो, व्रत धारण को जितना अधिक काल हो, उतना शुद्धिकरण होने के कारण उतनी ही मधुरता, उतनी ही मिठास आ जाए जीवन में। ये परीक्षा है अपने विकास की। अथवा जो लोग धर्म श्रवण कर रहे हैं वो कितने काल से कर रहे हैं और उतने काल में उनके अंदर कितनी मधुरता बढ़ी है, वो उनकी पहचान है। कि अगर आपने जिनवाणी का अमृत पिया है तो फिर आपको हवा बाण हरडे की डकार नहीं आ सकती। ऐसे उदाहरण देने पड़ते क्या? या फिर और कोई चीज की कड़वाहट की, कितनी बार अपन इतने आवेश में क्या क्या कर जाते हैं, एकदम बेहोश हो जाते हैं। संस्कार है, अनादि के संस्कार है। जैसे ही वैसा कोई मौका आता है तो अभी जो भी पड़ा वो सब साफ हो जाएगा। अभी मान लो यहाँ से जैसे सभा विसर्जित होती है और किसी को किसी का पैर लग जाए तो फिर अभी नमो सिद्धांत के एकदम उसमें डूबे हुए थे, फिर कहाँ आ जाते हैं। तो ये अभ्यास अपने को करना ही है, संलेखना तक तो उसकी तैयारी पूरी कर लेनी, और इतनी तैयारी हो जाए कि स्वप्न में भी वैसी स्थिति बनी रहे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ऐसा भी कथन किया, कोई ऐसा श्लोक आया ना, समाधि तंत्र में, कि स्वप्न में भी वो उस परिणति से विपरीत नहीं जाता, ऐसी स्थिति बन जाती है। बन जाती है, वास्तव में बन जाती है। अभी अपन देखते हैं कि पहले जो सपने आते थे वो कभी कभी अभी भी आ जाते हैं, लेकिन सपने के आने पर भी जो पहले जो प्रतिक्रिया होती थी सपने में
अब वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये अभ्यास बदल गया है, जीवन का शैली बदल गई है। तो यहां पर सिद्ध भक्ति में भी यही बात है, भावित कर लेना अपने आप को उस रूप में। अभी कुछ हमारा ऐसा भाव हो रहा है कि अपन ने सिद्ध भक्ति का तो स्वाध्याय किया है, इन्हीं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने सिद्धों का जो वर्णन नियम सार ग्रंथ में किया, वहां पर निर्वाण का क्या स्वरूप है, निर्वाण कैसा होता है, उसके लिए कुछ गाथाएं दी है। उसको अपन और पढ़ लेंगे, फिर नमो आयरियाणम पर फिर चलेंगे, अपनी यात्रा तो जारी है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज अपन इतना रखते हैं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा कि एक ही स्थान पर अनेक सिद्ध विराजमान रहते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, स्थान एक होते हुए भी कोई टकराव नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, सब पृथक पृथक है, फिर भी स्थान एक ही है। यहां तो कोई ज्यादा पास आ जाए तो असुविधा होने लगती है, मतलब अपने को अंदर से ही ऐसा लगता है कि इतना पास क्यों आ गए, थोड़ी तो दूरी रख लेते, ऐसा लगता है। तो वो ठीक है, यहाँ की अवस्था यहाँ की है, वहाँ की वहाँ की है। अवस्था अवस्था में अंतरंग अवस्था की बात आएगी, और अवस्थान में उनका वो स्थान आएगा। तो उनकी अवस्था और उनका अवस्थान दोनों को अगर समझ लें अपन, तो सिद्ध स्वरूप अपने परिचय में आ जाता है। सिद्धालय आदि की जो वहां की जो परिस्थितियां है, उसको अवस्थान में ले लेना, और अवस्था में सिद्ध पर्याय आ जाएगी। पर्याय को ही तो अवस्था कहते हैं, दशा भी कहते हैं। तो जो श्रावक एक क्षण के लिए भी सिद्ध स्वरूपम जायति, वसुनिधि श्रावकाचार्य में गाथा दी है कि सिद्ध स्वरूप का ध्यान अगर वो एक क्षण के लिए कर ले, द्वादश क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है, तो एक क्षण कितने मिनट का हुआ, मुहूर्त 48 मिनट का हुआ, तो 48 को 12 से भाजित कर दीजिए, तो 4 मिनट का एक क्षण हुआ। अगर कोई श्रावक 4 मिनट भी सिद्ध स्वरूप का ध्यान कर ले, और कैसे ध्यान करें, शरीर को मूर्ति के समान बना करके, बिल्कुल मूर्ति के समान होकर के अगर सिद्ध भगवान का 4 मिनट ध्यान कर ले, उत्तम सामायम तस्, उसकी सामायिक उत्तम श्रम सामायिक कहलाती भावापेक्षा। कालापेक्षा उत्तम सामायिक कौन सी होती है, नहीं उत्तम सामायिक तीन तीन मुहूर्त का, तीन मुहूर्त की जो सामायिक है 2 घंटे 24 मिनट की, वो उत्तम सामायिक है। एक बार आचार्य ने प्रायश्चित दिया था एक हम लोग हमारी सहपाठी में किसी को कि अब उत्तम सामायिक कर लेना, तो फिर वो ऐसे बैठ गए, बिल्कुल उत्तम सामायिक हो गई मेरी उत्तम सामायिक। तो फिर हमने बोला कि आचार्य श्री ने वो वाली उत्तम सामायिक दी थी, ये वाली नहीं, 2 घंटे 24 मिनट वाली सामायिक दी थी प्रायश्चित में, प्रायश्चित में 4 मिनट की सामायिक थोड़ी दे देगी। पर 4 मिनट की सामायिक भी कोई सरल कार्य नहीं है, केवल सिद्ध का ध्यान करना है। सिद्ध स्वरूपम जायति क्षणमेकम अविचलंगो, और अविचलांग लिखा है उसमें, अविचलांग का मतलब ऐसे आप सांस ले रहे हैं तो भी शरीर हिलता है, उसको भी अविचल करना है। बड़ी साधना की बात है, बहुत सरल नहीं है, एकदम 4 मिनट के लिए आप बैठ गए तब उत्तम सामयिक होती है, और वो सबको नहीं हो सकती, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए तो दुष्कर है, फिर भी असंभव तो नहीं है। कोई वज्र शिव नाराज संगनन वाले भी होते हैं, कोई अच्छे संगन और भी संगनन है, और कभी निम्न संगनन के साथ में भी विशुद्धि आ जाती है, कोई बात ही नहीं। 8 स्वर्ग तक तो निचले संगनन वाले भी चले जाते हैं ना, असंप्राप्ता श्रिपाठिका संगनन वाले 8वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। अभी आजकल जो चर्चा निकली है कि आज 5वें स्वर्ग तक जा सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसका कोई आगम आधार हमें मिल नहीं पाया अभी तक। जो लोग कहते हैं उनसे पूछने योग्य कि भाई तुमने कहाँ से निकाला ये,
ये विषय कहाँ से प्रकट किया, क्योंकि सर्व जगन्य जो संगनन है उससे आठवें स्वर्ग तक के गमन होता है। आज अपन नहीं जानते व्यावृत्यात्मान आत्मनि यथा न पुनरात्मन देहे स्वप्ने भी योजित। ये समाधि तंत्र का श्लोक जो हम बोल रहे थे ना कि सपने में भी तथैव भाव ये देहात् व्यावृत्यात्मान आत्मनि, आत्मा को इस तरह से ध्याएं शरीर से पृथक करके अपने में अपना ध्यान इस तरह से लगाएं कि यथा जिससे पुनरात्मान फिर से उस आत्मा को स्वप्ने भी देहे न योजित, स्वप्न में भी शरीर में न जोड़े, इस तरह से अपनी आत्मा का ध्यान करें, ऐसा अभ्यास कर लें। इस टाइम क्या बोलना चाहिए? अरे कुछ बोलने की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान करने की बात चल रही है। देखिए अपन क्या है कि विधि के इतने आदि हो गए कि जहाँ विधि नहीं है, विधि छोड़ने की जहाँ बात हो रही है वहां भी अपन विधि जानना चाहते हैं, तो उसको बस अपन अपने अंदर से पुरुषार्थ करना है, शरीर से पृथक अपनी आत्मा का आत्मा में ध्यान करना है। अपना ध्यान अपन हमेशा शरीर में ही करते हैं, तो अब उसको वहां से देहात व्यावृत्य शरीर से अलग हटाकर उसको देहातीत आत्मा को आत्मा में ही ध्याना है। मैं मुझ में हूं, मैं इसमें नहीं हूं, ये भले जहां है वहां रहे, मैं भले इसमें रहूं लेकिन मैं मुझ में हूं, मैं इसमें नहीं हूं, ऐसा ध्यान करना है। मैं मुझ में हूं, इस प्रकार से आत्म ध्यान, आत्मा अलग शरीर अलग, अभी शब्दों की बात नहीं चल रही है, आप इधर ध्यान में जाकर के देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं उसको। आप जब तक वहां जाएंगे नहीं तब तक आपको वो चीज दिखेगी नहीं, बुद्धि में दिखेगी, लेकिन अभी आपको बुद्धि में नहीं देखना, ज्ञान में देखना। मन बुद्धि ज्ञान इन सब से आपको अंतर समझना होगा। मन में कल्पनाएं होती है, बुद्धि में तर्कणाएं होती है, और ज्ञान में ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान में आत्मा को ध्याना है, आत्मा में आत्मा को ध्याना है। मैं मुझ में हूं, भले ही मेरे प्रदेश और इस शरीर के प्रदेश एक क्षेत्र पर हो, उसी आकाश प्रदेश पर, उन्हीं आकाश प्रदेशों पर शरीर के भी प्रदेश हैं, आत्मा के भी प्रदेश हैं, लेकिन जिस प्रकार एक सिद्ध के प्रदेश दूसरे के प्रदेशों में होते हुए भी एक सिद्ध दूसरे सिद्ध नहीं हो जाते, उनका मिश्रण नहीं होता, उसी प्रकार मैं इस देह से भिन्न हूँ, देह और आत्मा का कभी मिश्रण नहीं हो सकता। इस तरह से भावित करना है कि जिससे फिर सपने में भी वो बात स्मृति में रहे। कई बार हमने देखा अपने सपने में, अभी आज भी हमने जो सपने देखे हैं, कुछ भक्तियों का पाठ करते हुए, कुछ श्लोक का पाठ करते हुए नींद खुलती है, कभी हम आधा प्रतिक्रमण कर रहे हैं उठकर पूरा कर लेते हैं, ऐसी स्थितियां बनती है, क्योंकि रात दिन जिसमें अपन डूबे रहते हैं सपने में वो भावित हो जाते हैं ना, उसको भावित स्वप्न बोलते हैं, सच में नहीं आता कि सांप सांप देखा किसी ने और रात में सपने में काटा उस सांप ने। तो आचार्य बोलते हैं, आचार्य कुंती सागर महाराज ने बोला कि अगर काटे तो बहुत शुभ होता है। कभी कभी मन किया जाता है सपने में जो चीज अपन को सच में नहीं याद, तो वो हमें सपने में याद आ जाती है। वो तो अभी सपने के बारे में अपन ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि आपको ध्यान का अभ्यास ऐसा करना है कि सपने में भी वो चीज ध्यान में रहे, ये बात है। जय नम जयतु शास्त्र नमो सिद्धांत।